नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। IPL 12 के 41वें मैच में मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग अपने घर में सनराइजर हैदराबाद से भिड़े। चेन्नई को रविवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के हाथों रोमांचक मुकाबले में एक रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा था। एक और चेन्नई की समस्या उसके शीर्ष क्रम का खराब प्रदर्शन है, तो सनराइजर्स के लिए सिर्फ सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ही रन मशीन बने हुए। उसका मध्य क्रम अमूमन फ्लॉप ही रहा है। रविवार को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ धोनी की धुआंधार पारी सुर्खियों में रही, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि शीर्ष तीन बल्लेबाजों की नाकामी से कप्तान पर दबाव बना। पिछले सत्र के हीरो शेन वॉटसन, अंबाती रायडू और सुरेश रैना अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। ऐसे में दबाव धोनी पर आ गया है, जो अब तक 314 रन बना चुके हैं। धोनी ने RCB से हार के बाद कहा था, शीर्ष तीन बल्लेबाजों को फिनिशर की भूमिका निभानी होगी। अपने मैदान पर लौटी चेन्नई की टीम इस मैच में प्रबल दावेदार है। सनराइजर्स के बेयरस्टो का ये इस सत्र का आखिरी मैच है, जो विश्व कप की तैयारी के लिए स्वदेश लौट रहे हैं। अब तक धीमी साबित हुई चेपक की पिच की आलोचना करते हुए चेन्नई के कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने इसे शीर्ष बल्लेबाजों की विफलता का एक कारण बताया। उन्होंने कहा, चेन्नई की पिच पर फॉर्म हासिल करना मुश्किल है, हमने भी कुछ खराब खेला। ऐसे में धोनी और रायडू पर काफी दबाव आ गया और ये जारी रहने पर हम टूर्नामेंट नहीं जीत सकेंगे। दूसरी ओर सनराइजर्स के हौसले कोलकाता नाइट राइडर्स पर मिली जीत के बाद बुलंद है और अंक तालिका में चौथे स्थान पर आने के बाद वह इस लय को कायम रखना चाहेंगे। चेन्नई फिलहाल दूसरे स्थान पर है। दिल्ली कैपिटल्स भी समान अंक के साथ बेहतर नेट रन रेट के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। इसी तरह की क्रिकेट अपडेट से बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।